हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज आप लोग का बायो का पेपर कैसा गया जी? बायो का पेपर आप लोग का कैसा गया है बताओ? दो दिन से जो क्लास चल रहा है वहां से कम तो 45 से 50 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन लगा है। दो दिन से जो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्लास लिया है उससे 45 से 50 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन लगा है जी, है ना? कैसा गया, कैसा लेके आए हो तुम लोग बताओ जल्दी से। खराब गया? काहे खराब गया? यानी क्लास नहीं सही तरीके से किया तुम लोग। चलो ए का पॉजिटिव आया है, चलिए बहुत अच्छा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का टोटल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। और बाबू आप लोग जो है हताश मत होइएगा कि हमारा ये गलत चला गया, हमारा ये गलत चला गया, हमारा ये गलत चला गया, है ना? हताश नहीं होना है। अरे गलत गया तो वही सही होगा, ठीक है? चलिए देखिए 2022 का भी आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें जिनको जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपका जो ये क्वेश्चन का सेट है, सेट जे है जी, सेट कौन है? जे, ठीक है? आप लोग का क्वेश्चन का सेट है जे, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में गर्भाशय के स्तर पर प्रत्यारोपित होता है, प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन का क्रिया कौन किससे होता है जी? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट है जी, ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, कहां संरक्षित रहता है, है ना? कहां संरक्षित रहता है मानव भ्रूण, ठीक है? तो यह रहता है आपका एमनियोटिक गुहा में, है ना? एमनियोटिक गुहा में रहता है, ठीक है? पेपर बहुत हार्ड था, पेपर कुछ नहीं हार्ड था, है ना? पेपर तो हार्ड था ही नहीं। आप लोग एक काम करते हो कि पूरा पेपर आप लोग देखते नहीं हो, है ना? शुरुआत में हर एक सेट का कोई क्वेश्चन का कोई सेट में हार्ड रहता है, कोई सेट का शुरुआती क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल रहता है, तो आप लोग देखते नहीं हो पूरा क्वेश्चन और बोल देते हो हार्ड है। पूरा तरीके से देखो, है ना? पूरा तरीके से आप लोग देखिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। मनुष्य विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य विकास का जो आयु है वह कार्बन डेटिंग विधि से नापा गया है। जो भी फॉसिल हमको मिला उस फॉसिल में हम कार्बन डेटिंग विधि से क्या कर दिए, मनुष्य के आयु को हम मापे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, डायनासोर है, डायनासोर क्या है जी? डायनासोर सरीसृप था, रेप्टाइल्स था और यह अभी विलुप्त हो चुका है। यह क्या था? विलुप्त हो चुका है। तो डायनासोर एक विलुप्त सरीसृप है। डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। सीनोजोइक युग जाना जाता है, सीनोजोइक युग जो है जाना जाता है, तो सीनोजोइक युग में स्तनधारियों का विकास हुआ है और आधुनिक वनस्पति का विकास हुआ है, इसी के कारण इसी से जाना जाता है सीनोजोइक युग, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आरएनए से डीएनए जो बनता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज अभिक्रिया में किस पॉलीमरेज अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम, पॉलीमरेज अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, है ना?
कौन सा एंजाइम आवश्यक है काटने के लिए? एंडोन्यूक्लिएज पॉलीमरेज श्रृंखला में क्या होता है, पहले उसको हम डीएनए का विस्तार होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला में डीएनए का विस्तार होता है, ठीक है। तो डीएनए के विस्तार में सबसे पहले क्या होगा, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम होगा, सॉरी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अच्छा ये हो गया, कॉपर टी का कार्य क्या है, है ना, कॉपर टी का क्या कार्य है, कॉपर टी का क्या कार्य है, ठीक है। देखिए कॉपर टी का कार्य, ये क्वेश्चन जो है हम करवा चुके थे लाइव क्लास में, लाइव क्लास में जो कल का क्लास हुआ था, सुबह का क्लास हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन हो चुका है, निषेचन को रोकता है, ठीक है, किसको रोकेगा, निषेचन को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जननांग मस्सा है, जननांग मस्सा जो है किसके द्वारा फैलता है, हर्पिस पेपिलोम वायरस, सॉरी ह्यूमन पेपिलोम वायरस, ठीक है। तो ये देखिए जाएगा हर्पिस विषाणु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है डीएनए, डीएनए डीएनए पुनर्योजन तकनीक में उपयोग किया जाता है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक में क्या उपयोग किया जाता है, ऑल है ना, क्लोनिंग संवाहक, एंडोन्यूक्लियस लाइगेज और जल वैद्युत कण संचलन का, सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणु किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में खास करके उत्पादन की क्रिया इंसुलिन का होता है, इंसुलिन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे कण खंड का क्लोनिंग करता है, छोटे खंड का क्लोनिंग जो है वो प्लाज्मिड करेगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन करता है, प्लाज्मिड करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है, ब्लंट सिरा का उत्पादन कौन करता है, इको आर फाइव जो है ये ब्लंट सिरा का उत्पादन करता है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, स्वस्थानीय संरक्षण में वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान जो है यह कैसा है, स्वस्थानीय तरीका नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा शुभ्रा एक किस्म है, पूसा शुभ्रा किसका किस्म है, तो फूलगोभी का किस्म है जी, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोवॉल ये दोनों जो है किसका किस्म है, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोवॉल किसका किस्म है, ये दोनों जो है फूलगोभी का किस्म है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है, निषेचन की क्रिया नहीं करना है और पौधे का उत्पादन करना है, तो यह जो होता है कायिक प्रवर्धन से होता है जी, ठीक है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉयड गेहूं है, उनमें होता है, उनमें कितना गुणसूत्र होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम एक हेक्साप्लॉयड, तो गुणसूत्र की संख्या गेहूं में 14 होती है जी, 14, ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, डीएनए में शरीर में एडीज का उत्पादन स्थल क्या है, शरीर में एडीज का उत्पादन स्थल क्या है, देखिए ये हो जाएगा जी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में एडीज का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, A1 एंटीट्रिप्सिन है, A1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, वात स्फीत इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, A1 एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो ये मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीथेन का उत्सर्जन करता है? मीथेन का उत्सर्जन ये होगा जी धान, धान होगा। ठीक है, धान के खेत में मीथेन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है वह किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम। तो न्यूक्लिएजेस के द्वारा, न्यूक्लिएजेस के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का खंडन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। चमगादड़ के पंख है ना, व्हेल का फ्लिपर और मनुष्य का हाथ, ये सब किसको करता है जी? तो ये सब समझात अंग है, ये सब क्या है? समझात अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के बंधने की क्रिया कहलाती है। एसएसडीएनए के बंधने की क्रिया कहां होती है? प्राइमर्स बंधेगा, प्राइमर्स बंधेगा तापानुशीलन में, तापानुशीलन में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? आरडीटी का साधन नहीं है, कौन जो है आरडीटी का साधन नहीं है? तो इंट्रॉन्स जो है यह आरडीटी का साधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का स्रोत, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का स्रोत क्या है जी? थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस से यह प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एमनियोसिंथेसिस के द्वारा विश्लेषण किया जाता है एमनियोटिक द्रव का, एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण होता है जी। ठीक है, आगे देखिए, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला जो है यह सहजीवी संबंध बनाता है, किसके साथ बनाता है? एजोला जो है सहजीवी संबंध बनाएगा एना बेना के साथ, है ना, एना बेना के साथ बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेपिटल कोशिका दर्शाती है, टेपिटल कोशिका दर्शाती है किसको दर्शाती है जी? देखिए, टेपिटल कोशिका जो है समसूत्री विभाजन को दर्शाती है, समसूत्री कोशिका विभाजन को दर्शाती है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, मादा चक्र, मादा जंतु जिसमें मद चक्र पाया जाता है, मादा जंतु जिसमें मद चक्र पाया जाता है, ये हो जाएगा मद चक्र पाया जाता है गाय में, गाय में क्या पाया जाता है? मद चक्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, ये सब क्वेश्चन बताया गया है ना, गॉल्जी काय में, गॉल्जी काय से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अपना का निर्माण कहां होता है? कोरियोन के द्वारा, किसके द्वारा होता है जी? कोरियोन के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए, पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होगा? नर युग्मक का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु और लघु बीजाणु विकास करके परागकण। ठीक है,
आगे देखिए हुलाक गिब्बन कहां पाया जाता है, हुलाक गिब्बन कहां पाया जाता है, ये असम के जंगलों में पाया जाता है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एंटीलॉप, एंटीलॉप सेवी सेवी काप्रा क्या है, इसको हम काला हिरण के नाम से भी जानते हैं। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है, क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति। देखिए इस सब क्वेश्चन कराया गया है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है, किसको सूचीबद्ध किया जाता है, तो सभी को सूचीबद्ध किया जाएगा, सुवेद संकटग्रस्त प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, है ना, ये सब को क्या किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, है ना, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसका आप लोग क्या मारे हैं, देखिए विश्व संरक्षण दिवस जो है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है ना, 28 जुलाई है ना, 28 जुलाई। क्वेश्चन में आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, अगर इसमें कोई भी ऑप्शन मार दिए होंगे तो जो है आपको सही कर दिया जाएगा। विश्व संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के जो हम इंफेक्शन का हम करेंगे अध्ययन, तो वो कहलाएगा हमारा सेरोलॉजी कहलाएगा, है ना, सेरोलॉजी कहलाएगा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, कुष्ठ रोग जो है यह टीएमवी के कारण होता है ना, टीएमवी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, निम्नांकित में कौन सा विषाणु जनित रोग का जोड़ी है, विषाणु जनित रोग का जोड़ी है जी, बता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो, स्त्री केसर जब एक दूसरे से जुड़ जाएगा युक्तांडपी कह रहा है, सब क्वेश्चन कब आया गया है, ये सब क्वेश्चन हो चुका है जी, है। आगे देखिए, मनुष्य में दाद है रिंग वर्म की बीमारी होती है, रिंग वर्म दाद खाल खुजली को किस होगा, कवक से होगा, कवक से होगा जी, है ना, कवक के द्वारा दाल खाद खुजली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ एक कुंडलिनी आरएनए, एक कुंडलिनी आरएनए है, ठीक है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीफजीन राइजोबियम होगा, राइजोबियम होगा, ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है यह जैव उर्वरक नीफजीन नहीं है, जबकि यह क्या है, यह आपका जैव पीरक राशि है। ठीक है, आगे देखिए, फैंकिया है, फैंकिया क्या है, नीफ है ना, यह जैव उर्वरक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण नागफनी है। ठीक है, मरुस्थलीय अनुकूलन कौन है, नागफनी है। नेक्स्ट देखिए, सेल क्रमक होता है,
शैल क्रमक कहां होता है जी? नग्न चट्टानी प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है, नग्न चट्टानी प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखिए, इमेज कुलेशन किससे संबंधित है? इमेज कुलेशन जो है यह संकरण से संबंधित है। संकरण में इमेज कुलेशन की प्रक्रिया होती है, नर जननांग को काट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री की उपयोगिता अपने आप को बचाने के लिए है, संरक्षण के लिए किया जाता है, अपने आप को बचाने के लिए किया जाता है। कवक मूल एक सजीवी संघ है, कवक मूल जो है कैसा सजीवी संघ है? तो कवक तथा पौधे के जड़ों के बीच, कवक और पौधे के जड़ के बीच में कवक मूल सजीवी संघ होता है। आगे देखिए, पारस्परिक आश्रय, अरे एक दूसरे को आश्रय देने का काम कहां किया जाता है? पारस्परिक आश्रय जो है यह तितली और फूल के बीच होता है, तितली और फूल के बीच। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है? देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोकार्बन दिया है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं दिया, इसलिए ये भी आपका गड़बड़ है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन गड़बड़ दिया है। कैपेसिटेशन प्राकृतिक प्रक्रिया है, कहां होता है? गर्भाशय में होता है। कैपेसिटेशन कहां होता है? गर्भाशय में होता है। तो इधर तीनों देखो नर जननांग है, कुछ जाएगा मादा जनन मार्ग, है ना, मादा जनन मार्ग। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है, किसका? वायु का कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करेगा डीडीटी और पारा, दोनों डीडीटी और पारा दोनों करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषक सबसे प्रतिकूल परिणाम है, सबसे प्रतिकूल परिणाम है, किसके प्रतिकूल पर? जीन उत्परिवर्तन कर देगा रेडियोधर्मी प्रदूषक, है ना, क्या कर देगा? जीन उत्परिवर्तन होगा, कैंसर की प्रक्रिया। हीरोइन क्या है? हीरोइन जो है डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, डाइएसिटाइल क्या है? मॉर्फिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिऑक्सी राइबोज से राइबोज शर्करा है पेंटोज का, C5H10O5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? एक्सरे क्लेस्टोग्राफी के द्वारा, है ना, एक्सरे क्लेस्टोग्राफी के द्वारा, ठीक है। जब डीएनए का विलगन, डीएनए के एक विलगन टुकड़े 82 से 90% पर रखा जाए, 82 से 90% तक डीएनए का निष्क्रियकरण इसको कहते हैं, इसमें विकुंडलन हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? विकुंडलन हो जाता है जी। आइए देखिए, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण है, मात्रात्मक लक्षण किससे होगा? एनवायरमेंटल से होगा। तो यह त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, ठीक है। आगे देखिए, एक जीन विभिन्न रूपों में, एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? फिब्रोइन पाया जाएगा, ठीक है। लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन प्रोटीना किसकी किस्में है? ये शक्ति रेटिन प्रोटीना जो कि लाइसिन, मक्का का है जी, किसका है? मक्का का है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम जो है यह आपका
स्पोर बनाता है, लेकिन दो यह लैंगिक जन भी करेगा, अलैंगिक जन भी करेगा, तो मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों बनाता है, ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक उसमें होगा हड्डीदार मछली बोनी फिश में, है ना, बोनी फिश। चलिए नेक्स्ट, विभिन्नता का प्रमुख स्रोत है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत निषेचन है, ठीक है। तो आपका जो है 70 ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए आया था आज के एग्जाम में, सभी का सॉल्यूशन हो गया है। जो भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हमारा कम आया है ना, हम कम सही किए, हताहत नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, सही तरीके से अगले एग्जाम का फोकस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।